नमस्कार साथियों, आज हम लोग राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन पर चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा कि 19 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अभी 3-4 महीने पहले रिटायर हुए थे, उनका राज्यसभा में मनोनयन किया गया। और वैसे देखा जाए तो भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है जबकि एक मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है किसी सरकार के द्वारा। और इसलिए ये मैटर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, और कंट्रोवर्शियल की झांकी हम लोगों को तब मिली जबकि राज्यसभा में श्री गोगोई ने जब अपना शपथ लेने की बारी आई तो विपक्ष के बहुत सारे दलों ने उसका बहिष्कार किया। और इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश का राज्यसभा में मनोनयन एक प्रकार से जुडिशरी पे एक प्रकार से जुडिशरी के स्टेचर को कम करने जैसा है, जुडिशरी पे एक प्रकार से हमला है, या जुडिशरी को एक प्रकार से कुछ अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है भारत सरकार के द्वारा। इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए। ये मसला इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी समय लगभग 55 सीटों के लिए राज्यसभा में चुनाव भी चल रहे हैं जो कि अभी 26 मार्च 2020 को संपन्न होने, उसमें बहुत सारे सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। तो इस समय राज्यसभा में सदस्यों का एक प्रकार से बहुत सारा आना तय है। उसी में ये मनोनयन जो कि एक बहुत बड़े जुरिस्ट थे जो जिनके स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है, उनके स्थान रिक्त होने से ये मनोनयन की आवश्यकता पड़ गई। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, राज्यसभा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित करती है सदस्यों को, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रत्येक राज्य का एक कोटा होता है और राज्यों के जो निर्वाचित MLAs होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, उनको भेजते हैं। राज्यसभा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतम राज्यसभा में 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान है राज्यसभा का, और जैसा कि हम अभी जानते हैं कि ये अधिकतम संख्या अभी है। जाहिर है कि अभी ये सारे के सारे सीटें आवंटित नहीं है राज्यों को, और अभी 233 सीट्स दे आर एलोकेटेड टू स्टेट्स, 3 टू दिल्ली एंड प्लस 1 टू पांडिचेरी। तो इस प्रकार से 233 + 3 + 1 अभी ये स्थिति बनी हुई है, और इस प्रकार से ये निर्वाचित सीटों की संख्या है 239 में 229 राज्यों के लिए आवंटित है और 3 दिल्ली के लिए, 1 पांडिचेरी के लिए। तो 233 सीटें इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं और 12 सीटें नॉमिनेटेड हैं। ये इस समय पोजिशन है। राज्यसभा में नॉमिनेशन की आवश्यकता पड़ती क्यों है? राज्यसभा तो एक, जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक चैम्बर है जो कि फेडरल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया। हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है जिसमें राज्यों की जो हमारी इकाइयां हैं संघ की, उनको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर नॉमिनेटेड मेम्बर्स की ज़रूरत क्या पड़ गई? जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी ये राय थी कि देश में बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति होते हैं जो कि इलेक्शन के द्वारा संसद में नहीं लाए जा सकते, जिनको कि राज्यसभा में या लोकसभा में हम इलेक्शन के द्वारा नहीं लाए जा सकते, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कैसे उनकी मेधा का, कैसे उनकी योग्यता का, कैसे उनके अनुभव का देश को लाभ मिल सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि उनको बिना इलेक्शन के बाईपास, इलेक्शन बाईपास करके मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा उनको संसद में लाया जाए। और इसलिए राज्यसभा में ये व्यवस्था की गई कि राज्यसभा में अगर मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था रखी जाए तो उनको चुनाव का सामना किए बिना ही हम राज्यसभा में ला सकते हैं, संसद में ला सकते हैं, जिससे कि चुनाव में उनकी शिरकत, जो डिबेट्स होती हैं उसमें उनकी शिरकत होगी और जो डिबेट का स्तर है वो ऊंचा बढ़ेगा, वो अपने योगदान से, जो अपने जीवन के उनके अनुभव हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव है, उसका लाभ वो विधि निर्माण प्रक्रिया में या अच्छे क्वालिटी डिस्कशंस में वो दे सकेंगे। संविधान क्या कहता है? संविधान के प्रावधान कहते हैं, संविधान का जो आर्टिकल 80 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि
12 सदस्य नॉमिनेट हो जाएंगे राज्यसभा में, और इसलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनके उनकी उनको किसी कृपा पे नहीं छोड़ा गया। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 81A, और इसमें बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, दैट इज वन। दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग नॉमिनेट होते हैं ये क्या आर्बिट्रेली सरकार के द्वारा नॉमिनेट हो जाएंगे, या वास्तव में इनके नॉमिनेट होने का कोई आधार जो है हमारा संविधान प्रिस्क्राइब करता है। तो भारतीय संविधान 4 प्रमुख आधार प्रिस्क्राइब करता है जिसके आधार पे उनको उनका मनोनयन राज्यसभा में हो सकता है, और ये 4 विषय हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। ये 4 क्षेत्र हैं, और इन 4 क्षेत्र में जो हमारा संविधान कहता है कि या तो उनको कोई स्पेशल नॉलेज हो, विशेष ज्ञान हो, या उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या व्यावहारिक ज्ञान हो, तो विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक ज्ञान हो, ये दोनों ही चीज़ें उनमें हो सकती हैं, और इन दोनों आधारों पर इन दोनों 4 क्षेत्रों में लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस में अगर उनको कोई विशेषज्ञता प्राप्त हो तो उनको नामित किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। क्या इसके मनोनयन की प्रक्रिया, ये देखते हैं इसके मनोनयन की प्रक्रिया क्या है। इसके मनोनयन की प्रक्रिया ये है कि ये सीधा सीधा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और प्रधानमंत्री इसका निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल निर्णय लेता है कि किन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाना है। और इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल एक निर्णय लेता है कि किसको राज्यसभा में मनोनीत किया जाना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होंगे। और जब भी कोई वैकेंसी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार 2-2 साल पे वैकेंसीज होती रहती हैं, मनोनीत सदस्य भी अपने सीटों खाली करते रहते हैं। तो अभी KTS तुलसी जो कि लॉ के क्षेत्र से मनोनीत किए गए थे इसके पहले, जब उनका स्थान रिक्त हुआ तो उन्हीं के स्थान पे लॉ के संबंध में विधि के विशेषज्ञ के रूप में एक नियुक्ति हमें करनी थी या राष्ट्रपति को करनी थी, और राष्ट्रपति ने जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं अभी कुछ समय पूर्व जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उनको उन्होंने चयन किया। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल निर्णय करते हैं, जब निर्णय हो जाता है तो होम मिनिस्ट्री उसका नोटिफिकेशन जारी करती है, होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करती है, उस नोटिफिकेशन में बाकायदा ये बताया जाता है कि महामहिम ने फलां को मनोनीत करने का निर्णय लिया है, किसके स्थान पर लिया है ये भी बताया जाता है, और फिर जाहिर है कि उस व्यक्ति को एक ऑफर दिया जाता है कि आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए, और तब एक तारीख तय मुकर्रर होती है जिस तारीख को कि शपथ ग्रहण किया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 16 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन इशू हुआ होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और 19 मार्च को मिस्टर गोगोई ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की, अपनी शपथ ग्रहण की। जाहिर है कि उनको शपथ ग्रहण सदन का पीठासीन अधिकारी अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसने उनको शपथ उनके समक्ष उन्होंने शपथ दी और अपने कागजात उनको सौंपे। ये एक प्रश्न छात्रों के मन में बार बार उठता है कि जो लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, क्या इनमें कोई अंतर भी होता है क्या, या इन दोनों के अधिकार या हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं, उन मुक्तियां हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सब बराबर होते हैं। देखिए, एक प्रकार से अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ये केवल टेक्निकल डिफरेंस है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनमें उनके सब अधिकार बहुत अपवाद स्वरूप 1-2 का छोड़ के जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा, उनके सारे शक्तियाँ, सारे अधिकार, सारे प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटी, सारी सुविधाएं जो कुछ भी इलेक्टेड मेंबर्स को मिलती हैं वो सारे के सारे उनको भी मिलते हैं। वो उसी प्रकार से सदन में वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो किसी प्रकार के प्रस्ताव दे सकते हैं, और हर प्रकार के मतदान में सदन में वो भाग लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सदन में हर प्रकार के मतदान में, सदन में मतदान करने में उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। हाँ, अब जब अंतर की बात आती है कि क्या मनोनीत सदस्यों में और निर्वाचित सदस्यों में कोई अंतर भी है, तो 2 अंतर खास तौर से ध्यान रखिएगा जो कि आपको अपने जहन में रखना है।
पहली चीज तो ये होती है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उसका कारण बड़ा सीधा साधा होता है कि चूंकि राष्ट्रपति ने ही उनको नियुक्त किया होता है, मनोनीत किया होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो राष्ट्रपति के पक्ष में या राष्ट्रपति से प्रभावित होकर उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के मतदान की वस्तुनिष्ठता और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को उससे अलग कर दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस तो केवल ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स विल नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वन। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग भी राज्यसभा में चुन के जाते हैं उन सारे लोगों को शपथ ग्रहण करने के 90 दिन के अंदर अपने जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, अर्थात अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, अपनी जो भी अपना संग्रह है धन का इत्यादि संपत्ति का, वो सारा विवरण और जो उनके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, जो उत्तरदायित्व हैं फाइनेंशियल अदरवाइज, वो सारे के सारे उनको डिक्लेयर करने पड़ते हैं अंडर द आर्टिकल्स अंडर सेक्शन 75A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये उनको करना पड़ता है। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको इससे उन्मुक्ति मिली हुई है, उनको किसी प्रकार की घोषणा अपने नहीं करनी पड़ती है। ये दो डिफरेंस के अलावा और कोई तीसरा डिफरेंस नहीं होता है। रही बात एक महत्वपूर्ण की, क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कुछ होता है? देखिए, जो मेंबर नॉमिनेट होता है वो तीन कैटेगरी में का हो सकता है। पहला कैटेगरी ये है कि वो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि वो नॉमिनेट होने के बाद तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहें तो आप किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिफेक्टर माने जाएंगे और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लिहाजा अगर किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को पार्टी ज्वाइन करनी है तो अपने नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर ही उसको कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और तीसरी स्थिति ये होती है कि कोई भी सदस्य जब तक वो राज्यसभा का मेंबर रहता है मनोनीत, तब तक वो स्वतंत्र ही रहता है, वो कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करता है। ये तीनों ही प्रकार के मेंबर हमको राज्यसभा में दिखाई दे जाते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज की तारीख में जो 12 के 12 सदस्य नामित हैं रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके, उसमें से 8 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कि भाजपा की सदस्यता, या तो वो सदस्य थे या उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसमें संभाजी छत्रपति, रूपा गांगुली, सोनल मानसिंह, डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा, राम सकल, राकेश सिन्हा, सुरेश गोपी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये 8 नाम हैं जो कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं करी है, जिसमें रंजन गोगोई जो कि अभी अभी मनोनीत हुए हैं, दूसरा स्वपन दास गुप्ता, तीसरा डॉक्टर नरेंद्र यादव और चौथा एमसी मैरीकॉम जो मुक्केबाज रही हैं, जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है। तो ये 4 लोग अभी भी भाजपा के सदस्य नहीं हैं। और अगर शुरू से देखा जाए, 1952 से जब से राज्यसभा में मनोनयन शुरू हुआ तब से अगर देखा जाए तो अब तक 138 टोटल मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, अर्थात 138 लोग अभी तक मनोनीत किए जा चुके हैं राज्यसभा में, और श्री रंजन गोगोई 138वें, अर्थात ही इज 138 नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब सवाल ये है कि क्या संविधान में कोई ऐसी बंदिश है, कोई ऐसी बाध्यता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स से मतलब वंचित हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 124(7) ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी न्यायाधीश हो, वो भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में काम नहीं कर सकता, किसी भी न्यायिक अधिकारी के समक्ष काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे संविधान में उसके द्वारा अपने रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार करना,
कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना या राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझनी चाहिए, कुछ लोग कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं कि साहब रिटायरमेंट होने के बाद कुछ समय तो आप जो है वो कम से कम सरकार की नौकरी मत करिए या सरकार के ऑफर को मत एक्सेप्ट करिए। इसका भी हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ना किसी लॉ में ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन में इसका उल्लेख है। देयर हैज़ टू बी एनी कूलिंग ऑफ पीरियड, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड की व्यवस्था नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए हैं उसमें से 70% सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद तत्काल ही किसी न किसी सरकारी पद पर अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। और अभी तक 44 चीफ जस्टिसेज ऑफ इंडिया ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि 1950 के बाद से सरकारी पदों को, सरकारी अपॉइंटमेंट्स को एक्सेप्ट किया है। और ये अपॉइंटमेंट्स जिस तरीके के होते हैं उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है कि मेंबरशिप है या चेयरमैनशिप है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन है, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, और इसी प्रकार के अनेक ऐसी संस्थाएँ होती हैं जिसमें कि ये जजेस नियुक्त होते रहे। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूं तो आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा कि 3 जस्टिसेस ऐसे हुए हैं, जस्टिस टीएस ठाकुर, दीपक जस्टिस चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जगदीश सिंह केहर, इन्होंने तो सरकार क्या, इन्होंने प्राइवेट जॉब किया रिटायरमेंट के बाद। जस्टिस आर एम लोढ़ा, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के कुछ महीनों के बाद ही उनको बीसीसीआई वाले मुकदमे कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। वी के कृष्णा अय्यर साहब के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और तब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। इसी प्रकार जस्टिस के सुब्बा राव का केस है जिन्होंने कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन करके और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पहुंच गए। इसी प्रकार से जस्टिस पी सदाशिवम थे जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद अपॉइंटमेंट उनका जो है गवर्नर के रूप में हुआ। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी नज़ीरें हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते रहे हैं। और राज्यसभा का अपॉइंटमेंट तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ए सोशल सर्विस, एक प्रकार की सेवा है जो मनोनीत करके कोई भी व्यक्ति कर सकता है या जो करना चाहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक पॉलिटिकल कल्चर का डिबेटिंग इशू हो सकता है कि भाई और कंट्रीज़ में क्या स्थिति है, क्या इससे न्यायपालिका की कहीं गुणवत्ता पे, न्यायपालिका की इम्पार्शियलिटी पे, न्यायपालिका की जस्टिस पे कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगता है क्या। तो अगर देखा जाए तो कुछ और देशों के नज़ीर हैं, जैसे अमेरिका में कोई जज रिटायर ही नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ कभी रिटायर नहीं होता, वंस अ जज ऑलवेज अ जज, लाइफ लॉन्ग आप जज रहिए। अगर आपको लगता है कि अब आप काम नहीं कर सकते तो आपको जीवन भर पूर्ण वेतन प्राप्त होता रहेगा, आपके पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से वो जीवन भर जब तक दिएगा उसको वेतन मिलता रहेगा, तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, उसको वेतन मिलता रहता है। इसलिए अमेरिका में किसी जज का रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने का कोई इश्यू नहीं होता है, दैट इज़ द अमेरिकन केस। ब्रिटेन में 70 साल की उम्र रखी गई है जो कि यहाँ से 5 साल ज़्यादा है, यहाँ 65 साल की उम्र है, वहाँ पर 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र पर वहाँ रिटायरमेंट है। और लेकिन वहाँ ब्रिटेन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप काम करें या करें, इस प्रकार के कोई इशू नहीं है वहां पे। तो कहने का ये आशय है कि ये बाकायदा कानूनी कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है या इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर न्यायाधीश जो कि 65 साल की आजकल की कोई एज नहीं होती है, भारत में जिस प्रकार से हेल्थ बैरोमीटर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हेल्थ इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो ये शो करता है कि अभी 65, 70, 75, 80 साल तक लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करते रहते हैं और काम करना चाहिए, जब तक आदमी जिए तब तक उसको काम करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, धनार्जन के लिए तो अब ख़त्म हो चुका होता है इस समय। 70, 80 साल पर आपको क्या धन की आवश्यकता है, अब जो है तो आपको समाज के लिए जो कुछ भी आपकी ज्ञान है, जो कुछ भी आपका अनुभव, उसको समाज के हित में लगाइए। तो इस प्रकार से अगर समाज के ऐसे लोगों को संसद में आके संसद की गुणवत्ता सुधारने में, उसके बहस का स्तर उठाने में, नीति निर्माण में या विधि निर्माण में अगर वो कोई योगदान दे सकते हैं तो उसको एक स्वागत योग्य चीज़ माना जाना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर भी इस संबंध में अगर आपके कोई अपने सुझाव हो, कोई राय हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।